मनीष सिसोदिया की जमानत के बाद आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का कहना है कि बीजेपी की तानाशाही का अंत होने वाला है। आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी का दिल्ली से पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। जब से मनीष सिसोदिया जी 17 महीनों के बाद जेल से घर लौटे हैं, पूरे के पूरे पार्टी कैडर में, हमारे नेताओं में और दिल्ली की जनता में ऐसा जोश दिख रहा है कि सड़क पे रोक रोक के लोग कह रहे हैं सर मुबारक हो। विधायकों के घर लोग पहुंच रहे हैं कि मुबारक हो। विधायकों के दफ्तरों में लोग लड्डू बांट रहे हैं। ऐसे जोश के अंदर आज मनीष सिसोदिया जी के घर पार्टी के तमाम बड़े नेता आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जमानत को जब्त करना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वहीं लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन के शानदार प्रदर्शन के बाद विपक्ष में उत्साह का माहौल। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर पक्ष विपक्ष पूरा जोर लगा रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र कांग्रेस इंचार्ज रमेश चेनिथला का कहना है कि महाविकास अघाड़ी मजबूती से एक साथ चुनाव लड़ेगी। हम पूरे राज्य में मुद्दों पर बात कर रहे हैं, सीट शेयरिंग को लेकर भी जल्दी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पूरे महाराष्ट्र में जाकर के अपने प्रांतीय नेताओं से बात करते हैं और आने वाले चुनाव में महाविकास अघाड़ी सबसे ज्यादा बहुमत से आने के लिए हम लोग अभी से प्रयास कर रहे हैं। एक चर्चा हुआ है सीटों के बंटवारे में, एक बार चर्चा हुआ है, आने वाले दिनों में और चर्चा हो जाएगा। सब सारे पार्टी मिलजुल करके काम करेंगे और जनता के, महाराष्ट्र की जनता के भलाई के लिए महाविकास अघाड़ी एक होकर काम करेगी। कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। हुड्डा ने कहा कि पिछले 10 सालों में प्रदेश की बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई। अब प्रदेश महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के फेल मामले में नंबर 1 बन चुका है। जब मुझे शासन करने का मौका मिला तो मैंने दंगाइयों को सीधा मैसेज दे दिया था, या तो अपराध छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। प्रदेश को कहां से कहां पहुंचा दिया, आज प्रदेश की क्या हालत है, आज किस चीज में नंबर 1 है? कहां तो प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 था, कहां नौकरी देने में नंबर 1 था, आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, महंगाई में, नौकरियों की तो बात ही छोड़ दो, कानून व्यवस्था में, आपने अखबार में पढ़ा होगा, रोज आता, आज कल भी एक हिसार में 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई, उस परिवार को कैसे नींद आएगी? ये नहीं है पहली दफा हुआ है, 2005 में जब हमारे को मौका मिला उससे पहले भी यही हालात थे प्रदेश में, कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। मौका मिला, मौका मिलते मैंने कहा कि बदमाशों, या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो, और 10 साल शांतिप्रिय ढंग से विकास हुआ। मैनपुरी की करण विधानसभा उपचुनाव को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि देश की आजादी के बाद सारे गढ़ समाप्त हो चुके हैं। लोकतंत्र में सिर्फ जनता का ही गढ़ होता है, जनता जिसे जिताएगी वही विधानसभा में जाएगा। करहल का विधानसभा का जो उपचुनाव है, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीते। आज हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके मंथन करने वाले हैं, बूथवार हम लोग रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग कार्य योजना बनाएंगे। गढ़ सारे समाप्त हो चुके हैं, देश की आजादी के बाद अब जनता का ही गढ़ होता है, जनता जिसे आशीर्वाद देगी वो चुन करके जाएगी। वही बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हमले को लेकर सीएम योगी ने विपक्ष को आड़े हाथों ले लिया। योगी ने सख्त लहजे में कहा कि विपक्ष अपने वोट बैंक के खिसकने के डर से बांग्लादेश के मुद्दे पर आवाज नहीं उठा रहा। योगी ने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को मालूम है कि बांग्लादेशी हिंदू उन्हें वोट नहीं दे सकते। जो नकारात्मक ताकतें हैं, जिनके मन में आपके प्रति सद्भावना नहीं दिखावटीपन है, जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहां उनका वोट बैंक न खिसक जाए। वोट बैंक भी जिनको दुनिया के अंदर होने वाले किसी अत्याचार में वोट बैंक दिखाई देता हो, वो आपके हितेशी कैसे हो सकते हैं? याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है,
वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। राक्षसी वृत्तियां जब भी तराधाम पर प्रबल होंगी, उनका मुकाबला करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। योगी के बयान पर यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय का बयान सामने आया। अजय राय ने मोदी सरकार से अपील की है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसे तुरंत रोकने की जरूरत है। केंद्र सरकार को चाहिए कि वो इस मामले में दखल दे। देखिए, निश्चित तौर से ये वहाँ पर अत्याचार अन्याय हो रहा है, उसको तत्काल रोका जाना चाहिए। उसमें भारत सरकार को तत्काल संज्ञान लेते हुए उसमें कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो अत्याचार अन्याय वाल अल्पसंख्यक समाज हिंदुओं पर हो रहा है उस पर तुरंत मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए, उस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। और वहाँ पर जो अत्याचार अन्याय हो रहा है, जिस वहाँ जो उनके साथ अत्याचार अन्याय और उनकी हत्याएं हो रही है, उसको तत्काल रोके।